हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आपका है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वाष्प अवशोषण निकाय। तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने का एक बहुत ही पुराना मेथड है, बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है। इसके बारे में सबसे पहले सन 1824 ईस्वी में माइकल फैराडे ने इस सिद्धांत के बारे में कुछ बताया और सन 1860 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक फर्डिनंद कैरी ने सबसे पहला वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का निर्माण किया और उनके सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में जिसका हम यूज करते थे वो आपका अमोनिया था। यानी जो सबसे पहला वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया गया उसमें रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में हम अमोनिया का यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला रेफ्रिजरेंट था, जो सबसे पहला वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उसको हम नाम दिए थे सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, यानी सरल वाष्प अवशोषण निकाय। तो इस सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से अलग क्या था? हमने इससे पहले एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा है। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट होते थे वो आपका कंप्रेसर होता था, कंडेंसर होता था, रिसीवर होता था और इवापोरेटर होता था। तो यहां पर आपका सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कंप्रेसर को हटा देते हैं और कंप्रेसर की जगह पर एक अलग अरेंजमेंट करते हैं। वो अलग अरेंजमेंट है क्या? उस कंप्रेसर की जगह पर हम एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर और आपका ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, ये आपका है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। यानी हम जो आपका मतलब एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उसमें हम कंप्रेसर का यूज करते थे और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम कंप्रेसर की जगह पर एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का यूज कर रहे हैं। तो इसका फंक्शन होता क्या है? इसके फंक्शन में क्या है? जब इस इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ता है तो इवापोरेटर से आगे बढ़ने वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है वो वेपर अमोनिया के फॉर्म में होता है। ये लो प्रेशर वेपर अमोनिया होता है और जब ये लो प्रेशर वेपर अमोनिया इस एब्जॉर्बर के अंदर इंटर करता है तो ये लो प्रेशर वेपर अमोनिया वेपर इस एब्जॉर्बर के अंदर वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब इस लो प्रेशर अमोनिया वेपर को वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो आपका ये जो यहां से वीक सोल्यूशन होता है वो यहां पर आने के बाद जब वाटर के साथ एब्जॉर्ब होता है तो वो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये अमोनिया वेपर यहां पर वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है तो वहां का प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उस टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, मतलब यहां से हीट के फॉर्म में हीट रिजेक्ट करके टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं और उस हीट को मतलब टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम यहां से कूलिंग वाटर भेजते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जब आपका वाटर का टेम्परेचर लो होगा यानी वो कोल्ड होगा तो वो अधिक से अधिक अमोनिया को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेगा। यानी अगर यहां पर इस एब्जॉर्बर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो वाटर है अमोनिया को एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। हम एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम यहां पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके वाटर के टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वाटर अधिक से अधिक अमोनिया वेपर को एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है।
अब ये जो यहां से स्ट्रांग सोल्यूशन बनता है वो स्ट्रांग सोल्यूशन यहां से आगे बढ़ता है और इस पंप के थ्रू, पंप के ऊपर हम वर्क करते हैं और इस पंप के थ्रू हम इसको जनरेटर में भेज देते हैं। जनरेटर के अंदर इस स्ट्रांग अमोनिया सोल्यूशन को हीट करने का अरेंजमेंट होता है, तो उसको हम चाहे स्टीम या हीटिंग कॉइल की हेल्प से हीट करते हैं। और जब हम स्ट्रांग सोल्यूशन अमोनिया के स्ट्रांग सोल्यूशन को हीट करते हैं तो अमोनिया का जो लिक्विड सोल्यूशन होता है वो वेपर, अमोनिया के वेपर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और अमोनिया के वेपर सोल्यूशन में कन्वर्ट होने पर जो अमोनिया का लिक्विड सोल्यूशन जो होता है वो वीक फॉर्म में होता है, वो वीक सोल्यूशन यहां से इधर वापस चला आता है और जो अमोनिया का स्ट्रांग वेपर सोल्यूशन होता है वो यहां से ऊपर आगे बढ़ता है। यानी यहां से आगे जो जाएगा वो हाई प्रेशर वेपर अमोनिया जाएगा और जो वीक सोल्यूशन होगा यहां से आपका ये इधर वीक सोल्यूशन होता है। तो इस वीक सोल्यूशन को हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू, इस प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू फिर से एब्जॉर्बर के अंदर भेज देते हैं और एब्जॉर्बर के अंदर आने के बाद फिर से वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब करके वो स्ट्रांग सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हाई प्रेशर वेपर अमोनिया जब यहां से आगे बढ़ेगा तो ये कंडेंसर के अंदर आता है। कंडेंसर के अंदर हाई प्रेशर वेपर अमोनिया के हीट को निकालते हैं, उसको ठंडा करते हैं तो फिर से वो हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया को रिसीवर में लाके रिसीव करते हैं और रिसीवर से फिर से एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए इवेपोरेटर के अंदर भेज देते हैं। जब एक्सपेंशन वाल्व में पहुंचता है उसका एक्सपेंशन होता है, उसका टेम्परेचर और डाउन होता है और वो लो टेम्परेचर का लिक्विड अमोनिया का जो स्ट्रांग सोल्यूशन जब इस इवेपोरेटर के अंदर जाता है तो वो फिर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है और कूलिंग इफेक्ट जनरेट करने के बाद फिर से वो लो प्रेशर अमोनिया वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये लो प्रेशर अमोनिया वेपर फिर से एब्जॉर्बर के अंदर आता है। इस तरह से साइकिल कंप्लीट हो जाती है और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहां पर एक बार इस सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को फिर से देखते हैं। तो सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम कंप्रेसर को रिमूव करते हैं, कंप्रेसर के जगह पर अलग से अरेंजमेंट लगाते हैं। अलग से अरेंजमेंट होता क्या है, एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। बाकी सारा अरेंजमेंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह ही होता है, जैसे वहां पर कंडेंसर होता है, रिसीवर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, इवेपोरेटर होता है। अब ये इवेपोरेटर है मतलब जहां पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है। तो जब स्ट्रांग अमोनिया का लिक्विड सोल्यूशन लो टेम्परेचर का इस इवेपोरेटर के अंदर आता है तो यहां के हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी यहां कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो लो प्रेशर अमोनिया वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये लो प्रेशर अमोनिया वेपर एब्जॉर्बर में जाएगा जहां वो वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा और वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो अमोनिया वेपर का वीक सोल्यूशन है वो हाई प्रेशर अमोनिया के स्ट्रांग सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रांग सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है तो जो वाटर होता है यहां से हीट को रिजेक्ट किया जाता है, हीट को निकाला जाता है, ठंडा किया जाता है, मतलब यहां के सोल्यूशन को ठंडा किया जाता है। इसलिए ठंडा किया जाता है, ठंडा करने पे जो वाटर की अमोनिया वेपर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब जो यहां से सोल्यूशन निकलेगा वो अमोनिया के स्ट्रांग सोल्यूशन में कन्वर्ट होकर निकलेगा। इस स्ट्रांग सोल्यूशन को, जो अमोनिया का स्ट्रांग लिक्विड सोल्यूशन है, उसको हम यहां से पंप के थ्रू जनरेटर में भेजते हैं। जनरेटर के अंदर हीटिंग कॉइल के हेल्प से या फिर स्टीम के हेल्प से इस सोल्यूशन को गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो आपका लिक्विड अमोनिया सोल्यूशन है वो आपका हाई प्रेशर वेपर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाई प्रेशर वेपर अमोनिया यहां से आगे बढ़ता है और अगर कोई वाटर का वीक सोल्यूशन रह जाता है तो उस वीक सोल्यूशन को हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू इस रास्ते से इधर खींचकर फिर से एब्जॉर्बर के अंदर भेज देते हैं। और स्ट्रांग सोल्यूशन जो होता है, हाई प्रेशर अमोनिया वेपर आगे बढ़ता है जो कि कंडेंसर में जाता है,
कंडेंसर में उसको ठंडा किया जाता है, यानी उसको हीट को निकाला जाता है, और निकालने के बाद ये जो अमोनिया वेपर है ये लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको रिसीवर में रिसीव करते हैं, फिर उसको एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू उसको एक्सपेंड करते हैं, उसके यानी प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, और जब उसे इवेपोरेटर में भेजते हैं तो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। कूलिंग इफेक्ट जनरेट मतलब इस जगह के, इस स्पेस के हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से यहां पर बाहर निकल जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो आपका सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है इसमें कुछ कमियां आई, कुछ कमियों की वजह से इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू थी वो बहुत कम आई। तो उस कमी को दूर करके एक हम नया वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बनाए, जिसको हम प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम नाम देते हैं। तो प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।